हेलो इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में, और साथ ही कवर करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक हमें 37 रुपीज़ पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, और आज स्टॉक में अराउंड हमें एक 4% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। जहाँ रिसेंटली देखा जाए तो हाल ही में स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली, जिसके चलते पिछले एक महीने में स्टॉक ने अराउंड -10% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। और जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था रिलायंस पावर के ऊपर, जहाँ पे आपको मैंने क्लियरली बोला था कि आने वाले नेक्स्ट वीक में रिलायंस पावर में जो फिलहाल जो नेगेटिव न्यूज़ें देखने को मिली उसके ऊपर कोई बड़ा सेटलमेंट आपको होते हुए नजर आ सकता है। और ठीक आप देख ही सकते हो, आज वेनसडे को हमें एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली रिलायंस पावर में, जिसके चलते स्टॉक में आज हमें एक अच्छी खासी रिकवरी फिर से होते हुए नज़र आ रही। और फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो रिलायंस पावर का जो 52 वीक हाई था, जो कि अराउंड हमें 53 रुपीज़ देखने को मिला है, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में जो अपनी होल्डिंग है वो 40-45 और मे बी 50 रुपीज़ के आसपास बनाई है, जिसके चलते फिलहाल तो उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के ये भी कमेंट्स आते हैं कि अब हमें आगे रिलायंस पावर में क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आपको मैं अक्सर मेरे वीडियोज़ में बोलता हूँ कि फिलहाल आपको करना ये कि फिलहाल आपको आपकी जो होल्डिंग है उसे यहाँ पे बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि कल जैसे कि एक हमें एक बड़ा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला तो यहाँ से हम ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं अब जो पॉजिटिव न्यूज़ का जो सिलसिला है वो हमें रिलायंस पावर में अब कंटिन्यू देखने को मिलेगा, जिसके चलते आने वाले समय में स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी रैली बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब रिलायंस पावर के रिसेंटली कुछ बड़ी अपडेट्स को कवर करें तो एक तरफ रिसेंटली स्टॉक में जो बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला था वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक नेगेटिव न्यूज़ के चलते देखने को मिला था। और जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली भी बोला था कि टेक्निकली देखा जाए तो रिलायंस पावर में हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी नज़र आ रहे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी नज़र आ रहे, और हाल ही में जो करेक्शन देखने को मिला था उसके ऊपर भी अब एक काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे देखने को मिलते हुए नज़र आ रहा है। जहाँ रिलायंस पावर ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो नोटिस इनको रिसीव हुआ था उसके खिलाफ जो चैलेंज दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने कई ऐसे पेपर्स भी सबमिट किए थे, जिसके चलते हाई कोर्ट ने रिलायंस पावर को एक काफ़ी बड़ा रिलीफ दिया, जो कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। रिलायंस पावर स्टॉक प्राइस सोर्स आफ्टर कोर्ट रिलीफ फॉर अनिल अंबानी कंपनी। तो देखा जाए तो एक काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जैसे कि जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आने वाले कुछ दिनों के अंदर स्टॉक में आपको और भी बड़े बड़े पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हुए नज़र आ सकती, जहाँ से ये स्टॉक आपको फिर से शॉर्ट टर्म में ईजिली 45 और 50 के टारगेट्स बहुत जल्द दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक में हमें कई ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ देखा जाए तो स्टॉक की जो ऑर्डर बुक है वो डे बाय डे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जहाँ एक तरफ देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में देते हुए नज़र आ रहे, जिसके चलते कंपनी का जो नेट रेवेन्यू, कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी क्वार्टर बाय क्वार्टर हमें काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही। तो यहाँ से हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में स्टॉक में आपको एक अच्छे खासे गेन ईजिली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलते हुए नज़र आ सकते। अब स्टॉक के रिगार्डिंग रिसेंटली दूसरी बड़ी अपडेट को यहाँ पे कवर करें तो कल जो एक बड़ा रिलीफ हमें रिलायंस पावर में देखने को मिला, जिसका एक काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट हमें स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, और स्टॉक के प्राइस में कंटिन्यूसली हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि हाल ही में स्टॉक में जो नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी, जिसके चलते कई ऐसे मार्केट्स एक्सपर्ट्स थे और कई ऐसे चैनल्स थे जो कि आपको कंटिन्यूसली एक मिसलीड कर रहे थे और कंटिन्यूसली आपको ये बता रहे थे कि आने वाले समय में रिलायंस पावर ये स्टॉक आपको 15 रुपीज़ के भी टारगेट्स दिखा सकता है, जहाँ पे कई ऐसे भी चैनल्स थे जो आपको ये सजेस्ट कर रहे थे कि आने वाले समय में रिलायंस पावर फिर से आपको 10 और 5 रुपीज़ के टारगेट्स भी दिखाते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन आपके साथ मैंने क्लियरली बोला था फिलहाल आपको यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अक्सर हमने स्टॉक मार्केट में देखा है जहाँ कई ऐसे पैनिक स्टॉक्स में जानबूझ के ऐसे जो पैनिक न्यूज़ है, ऐसी जो नेगेटिव न्यूज़ है चलाते, जिसके चलते ऐसे स्टॉक्स में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो, जिसके चलते जो प्लेयर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, वो नेगेटिव न्यूज़ में आके अपनी होल्डिंग सेल करे, और इसी पैनिक सिचुएशन में जो बड़े प्लेयर्स रहते वो डाउनफॉल में अपनी होल्डिंग बना लेते ऐसे स्टॉक्स में। तो ऐसे हमने कई केसेस में देखा है, और फिलहाल यही हमें देखने को मिला था रिलायंस पावर लिमिटेड में, जिसके चलते आपको मैंने क्लियरली बोला था कि फिलहाल आपको इस नेगेटिव न्यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आना है, बल्कि आपको आपकी होल्डिंग उसे बरकरार रखनी चाहिए। और फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट्स फिर से एक
एक बाइंग रेटिंग यहाँ पे सजेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में रिलायंस पावर में आपको फिर से कई बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो पावर सेक्टर का ये स्टॉक जो कि एकदम डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं, कंपनी की एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, और अभी भी ये स्टॉक हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू प्राइस और अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हुए नजर आ, जो कि डेफिनेटली आने वाले समय में हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। रिलायंस पावर में जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट या जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपके लिए ऐसे स्टॉक मार्केट की वीडियोस लाते रहते। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।